नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस बढ़ती सरगर्मी के बीच अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तो मौजूद नहीं है लालू प्रसाद यादव, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू लालू यादव बराबर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको हम एक ट्वीट दिखाते हैं, इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट को देखकर आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को खुद लालू यादव की कमी भी खल रही है। भले ही इस बार के चुनाव के पोस्टर तक में भी लालू यादव नहीं है, लेकिन लालू यादव बराबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से लगातार ले रहे हैं और इस बीच अब लालू यादव ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा है, प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो गया है, तेल का भाव शतक लगाने वाला है, बेरोजगारी दर अर्धशतक के पास पहुंच चुका है, बढ़ रही है महंगाई, छिन रही रोजगार, ये जुमलों की डबल इंजन सरकार क्या खाक बनाएगी आत्मनिर्भर बिहार। जी आपको बता दें कि आरजेडी के चीफ लालू यादव ने ट्वीट करके इस तरह इस अंदाज में नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अब क्या कुछ होगा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके लिए तो 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशन न्यूज के साथ। देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।